हाय गाइस, वेलकम टू स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज अमाइंस इंडस्ट्री की, एंड रिलेटेड टू अमाइंस इंडस्ट्री हम एल्काइल अमाइंस का बिजनेस एनालिसिस करेंगे। तो अमाइंस इंडस्ट्री आज मेरे को काफ़ी पसंद आती है बिकॉज इट्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्री। अगर अक्रॉस द ग्लोब देखें तो यहाँ पे हर कंट्री में 2 से 3 से ज़्यादा सप्लायर नहीं है। तो इस बिजनेस एनालिसिस को बेसिकली हमने 4 पार्ट्स में बांटा है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनालिसिस इज अबाउट द इंडस्ट्री एनालिसिस कि ग्लोबली अमाइंस इंडस्ट्री के अंदर क्या है और लाइक साइज ऑफ द मार्केट कितना है। सेकंड में हम बात करेंगे एल्काइल अमाइंस के बिजनेस मॉडल की, कैसे फाउंड हुआ था, इनकी हिस्ट्री क्या थी, प्रमोटर कौन है। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि आज एल्काइल अमाइंस के अंदर एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रिस्क है, बिकॉज अगर आज आप एल्काइल अमाइंस की वैल्यूएशन देखते हैं, मार्जिन देखते हैं, तो आपको दिखेगा बहुत ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। उसके पीछे क्या रीजन है एंड क्या इस वैल्यूएशन पे हमें एल्काइल अमाइंस को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। एंड द लास्ट पार्ट इज वील बी टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस। सो गाइस, स्टार्टिंग विद द इंडस्ट्री एनालिसिस, तो गाइस अमाइंस आर यूज एज सॉल्वेंट्स इन फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स। तो बेसिकली अमाइंस एज सॉल्वेंट्स यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल्स में, एंड वाटर केमिकल में भी इनकी यूसेज आती है। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं। तो ग्लोबली अगर हम इस इंडस्ट्री का साइज देखें तो इस इंडस्ट्री का $4.1 बिलियन के आसपास साइज है, और ग्लोबली अगर हम केमिकल इंडस्ट्री का साइज देखें तो केमिकल इंडस्ट्री कुछ 4.1 ट्रिलियन की है। तो माने ये $4.1 बिलियन बेसिकली अमाइंस इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री का सिर्फ 1% होता है। तो बेसिकली बहुत छोटी और नीच इंडस्ट्री है। एंड सेकेंड ट्रेंड अगर हम इसका ग्लोबली देखें, इसका सेकेंड ट्रेंड क्या है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अक्रॉस द वर्ल्ड इन सिमिलरली इंडिया में भी सिर्फ इस इंडस्ट्री में 3 ही सप्लायर हैं। एक तो आपका एल्काइल अमाइंस है, सेकंड आपका बालाजी अमाइंस है, एंड सेकंड आपका RCF है, दैट इज बेसिकली राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। एंड मोर ओवर यहाँ पे 45% मार्केट शेयर एल्काइल अमाइंस के पास है और 50% मार्केट शेयर बालाजी अमाइंस के पास है, एंड सिर्फ 5% मार्केट शेयर RCF के पास है। तो अनदर इंडस्ट्री इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द इंडस्ट्री इज दैट अमाइंस आर रियली रियली डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। माने क्या है कि ये इंडस्ट्री ज़्यादा लोकली फोकस्ड है, क्योंकि अगर आप अमाइंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आग लगने का बहुत चांस है बिकॉज इट्स अ करोसिव केमिकल। तो यहाँ पे ये रिस्क है, इस वजह से इंडस्ट्री बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। और एक रीज़न और क्या है कि अमाइंस बनाने की जो टेक्नोलॉजी है डैट इज़ वेरी वेरी क्लोजली गार्डेड। तो RCF और एल्काइल अमाइंस ने तो अपनी टेक्नोलॉजी लेनेट प्रोसेस से ली थी, बालाजी अमाइंस ने अपनी टेक्नोलॉजी सिर्फ मतलब इंडिया में ही बनाई है इंडिजिनियसली। तो गाइस, कमिंग टू द बिजनेस एनालिसिस ऑफ एल्काइल अमाइंस, तो एल्काइल अमाइंस वाज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1979 बाय योगेश कोठारी। एंड गाइस, whenever you are analyzing a chemical company in the chemical industry, you need to be careful of one thing कि जो promoter है क्या वो technocrat है या नहीं है। तो एल्काइल अमाइंस के केस में योगेश कोठारी इज अ technocrat, बेसिकली उनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है। तो आप कभी भी किसी भी केमिकल कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको ये चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि whether the promoter is a technocrat or not। इवन दो दूसरे केसेस में भी चल जाता है, बट technocrat इसलिए हमें अच्छे लगते हैं बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपेंशन का चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको केमिस्ट्री की ज्यादा नॉलेज रहती है। तो योगेश कोठारी इज अ टेक्नोक्रैट, यानी एस्टैब्लिश्ड कंपनी वे बैक इन 1979। एंड 1982 में इनका पहला प्लांट लगा था एथाइल अमाइंस का, भी हम इनके बिजनेस सेगमेंट्स की भी बात करेंगे। तो अभी प्रमोटर होल्डिंग इस बिजनेस के अंदर कुछ 74% से ज्यादा है, एंड इट्स अ ग्रोइंग कंपनी। तो गाइस, लो फ्लोट है एंड इट्स अ ग्रोइंग कंपनी, तो दिस इज अ लीथल कॉम्बिनेशन इफ यू ever catch such a trend. So coming to the business analysis of alkyl amines, so alkyl amines has 3 segments in the business. So first segment kya alkyl amines ka, basically aliphatic amines ka segment hai. Aliphatic amines kya hota hai, hum ek bari jante hain isko, कि हम जैसे देखते हैं क्रूड ऑयल अर्थ से निकलता है, राइट? तो क्रूड ऑयल को प्रोसेस होकर फिर उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं, फिर उससे पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, फिर डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स बनते हैं। सिमिलरली अमाइंस इंडस्ट्री में मिथाइल अमाइंस और इथाइल अमाइंस आदि एलिफैटिक अमाइंस, तो इनको यूज कर करके हम डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स भी बनाते हैं। एंड मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन की एल्काइल अमाइन कैप्टिव कंजम्पशन भी बहुत करता है। कैप्टिव कंजम्पशन माने खुद के लिए ही काफी ज्यादा कंजम्पशन कर लेता है उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, एंड इनको एक आउटसाइड मार्केट में भी सेल कर सकता है। तो गाइज, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस दैट एल्काइल अमाइंस हैज क्लोज टू 400 कस्टमर्स। तो बेसिकली इंटायर फार्मास्यूटिकल सेक्टर
entire agrochemical sector today's alkyl amines customer, and nearly 61% of the product is being used in pharmaceuticals. And usme kya ek achhi cheez hai ki agar aap 61% pharmaceuticals mein use ho raha hai to aapka product bhi consumable hai. To yaad hai humne Peter Lynch wali video ki baat kari thi, agar aapne nahi dekhi to aap dekh sakte hain. To Peter Lynch wali video mein humne baat kari thi ki aisi industries dekhiye jo kisi aur industry ki growth ka fayda uthaye. To similarly amines industry mein kuch aisa hi chal raha hai. To pharmaceutical aur agrochemical ka काफी ज्यादा amines industry को फायदा होता है उनकी ग्रोथ का. तो यहां पे देख सकते हैं 61% फार्मा का है एंड 10-15% एग्रोकेमिकल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंड दे हैव ऑल द बिग क्लाइंट्स लाइक डीवीज लेबोरेटरीज इनका क्लाइंट है, पीआई इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ देम आर देयर क्लाइंट्स. तो गाइस यहां पे कोई भी कस्टमर इनका 5% से ज्यादा सेल्स का नहीं है. कमिंग बैक टू एलिफैटिक अमाइंस, तो इथाइल अमाइंस एंड मिथाइल अमाइंस इनका, एंड इथाइल अमाइन का इनका कैपेसिटी है 22,000 टन पर एनम का, वेयर एज मिथाइल अमाइन का इनका कैपेसिटी है 33,000 टन पर एनम का. तो गाइस आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ वैल्यूएशन के मतलब थोड़ा सा रिलेटेड वैल्यूएशन से. तो अभी हम वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे नहीं, तो पहले आपको फिर भी एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ. अगर आप 2014 से 17 तक देखेंगे तो इस कंपनी का स्टॉक चार्ट वॉज बेसिकली फ्लैट. अब ये फ्लैट क्यों था? बिकॉज कंपनी वॉज रनिंग इन टू कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, माने कंपनी पास ऑर्डर्स थे हाथ में बट कंपनी ने फैक्ट्री नहीं लगाया, राइट? तो कंपनी शायद से फैक्ट्री लगाने के प्रोसेस में थी. तो अगर आप इस टाइम की इनकी क्रेडिट रेटिंग पढ़ेंगे और अगर आप कॉन कॉल सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रमोटर केम अप विद अ ह्यूज प्लांट एट दहेज. तो उन्होंने दहेज पे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाने का डिसीजन लिया, एंड विद इन 1 or 2 years दैट प्लांट केम अप एट दहेज, मिथाइल अमाइंस का प्लांट आया था. एंड उसके बाद इस कंपनी ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ देखी है, राइट? तो एसीटोनिट्राइल का भी प्लांट आया था, मिथाइल अमाइंस का भी आया था, अभी एसीटोनिट्राइल पे आएंगे. तो सेकंड सेगमेंट ऑफ द बिजनेस is basically your derivatives of amines, derivatives of aliphatic amines. तो 50% business इनका aliphatic amines से आते हैं, 25% business इनका derivatives से आते हैं. अब derivatives में इनका एक जो सबसे common product है, the name of the product is DMA-HCl. तो basically DMA-HCl methyl amines का एक derivative है, जिससे DMA-HCl बनता है. तो methyl amines आपका upstream है और उसका जो product बनता है, that is DMA-HCl. तो दैट इज अ डेरिवेटिव बेसिकली, एंड डेरिवेटिव्स में मार्जिन्स आर ऑलवेज हायर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन केमिकल इंडस्ट्री. तो DMA-HCl की यूसेज क्या है? आपने एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, रैनिटिडीन. तो DMA-HCl रैनिटिडीन में यूज होता है. रैनिटिडीन कहाँ यूज होता है? एक दवाई आती है बहुत फेमस नाम से, जिसका नाम है जिनटेक करके. तो अल्सर को ट्रीट करती है, स्टमक प्रॉब्लम को ठीक करती है, एंड उसके अंदर DMA-HCl डलता है. बेसिकली अमाइंस आर जनरली यूज फॉर क्रिएटिंग बल्क ड्रग्स, जो API की मैन्युफैक्चरिंग में भी अमाइंस का बहुत यूसेज है. तो DMA-HCl का यहीं पे यूसेज है, और आज एल्काइल अमाइंस का कुछ 13,000 टन पर एनम का कैपेसिटी है DMA-HCl का. आई थिंक सो कुछ 80-85% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है. कमिंग टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ द कंपनी, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट एंड विच इज द मोस्ट डेंजरस सेगमेंट, जिसमें हम रिस्क में बात करेंगे, दैट इज स्पेशलिटी केमिकल्स. तो स्पेशलिटी केमिकल्स में इनका एक जो बहुत फेमस प्रोडक्ट है, उसका नाम है एसीटोनिट्राइल. एसीटोनिट्राइल इज बेसिकली अगेन अ सॉल्वेंट विच इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन की प्रोडक्शन में एसीटोनिट्राइल यूज होता है, अगेन अ कंज्यूमेबल, किसी और इंडस्ट्री के ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं. तो यहाँ पे एसीटोनिट्राइल का इन्होंने बेसिकली पुणे में एक R&D प्लांट लगाया था 2001 में, एंड उससे पहले अगर हम देखेंगे तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वॉज फेयरली कमोडिटाइज, एक कमोडिटाइज कंपनी थी. तो 2001 में जो प्लांट लगाया उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करे. तो एसीटोनिट्राइल भी इनकी R&D का रिजल्ट है. प्रमोटर की अगर हम कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे तो प्रमोटर बताता है कि हमें 3 साल लग गए थे एसीटोनिट्राइल बनाने में, माने 3 साल की R&D करी तब जाके हम एसीटोनिट्राइल लॉन्च कर पाए थे. आई थिंक कंपनी इज रीपिंग गुड डिविडेंड्स इन एसीटोनिट्राइल, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू देयर अदर बिजनेसेस, एलिफैटिक अमाइंस एंड डेरिवेटिव्स. गाइस दिस वाज अ बिजनेस एनालिसिस ऑफ एल्काइल अमाइंस, ये इनकी कैपेसिटीज हैं. एंड एसीटोनिट्राइल में एक जो जरूरी चीज आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू कि यहाँ पे इनका कैपेसिटी कुछ 12,000 टन पर एनम के आसपास है. क्यों मैं आपको सबकी कैपेसिटीज बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैपेसिटी एक्सपैंड हो रही है. तो गाइस कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि आपने सर कब सब कुछ बता दिया कि इस कंपनी के अंदर सब कुछ अच्छा है, कंज्यूमेबल है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज हो रहा है, एग्रोकेमिकल्स में यूज हो रहा है, वाटर केमिकल्स में यूज हो रहा है, रबर केमिकल्स में यूज कर रहे हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको बताता हूं आज इन वैल्यूएशंस पे और इन मार्जिन पे क्या प्रॉब्लम है. तो गाइस अभी हमने एसीटोनिट्राइल की बात करी थी, अब एसीटोनिट्राइल में थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी. तो एसीटोनिट्राइल को बनाने के 2 तरीके हैं दुनिया में. तो फर्स्ट वे टू प्रोड्यूस एसीटोनिट्राइल इज टू मेक इट एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्रिलोनिट्राइल.
एक्रिलोनिट्राइल बेसिकली क्या है कि एक केमिकल बनता है एक्रिलोनिट्राइल के नाम का, एंड उसका जो बाय प्रोडक्ट रह जाता है उससे एसीटोनिट्राइल बन सकता है। एंड एक्रिलोनिट्राइल का यूसेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये समझना पड़ेगा अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो। एक्रिलोनिट्राइल का बेसिकली यूसेज क्या है, इट इज यूज इन ABS। ABS कहाँ यूज होता है, बेसिकली इट्स अ पॉलीमर विच इज यूज इन ऑटो इंडस्ट्री। तो जब भी ऑटो इंडस्ट्री अच्छा करती है तो एक्रिलोनिट्राइल का प्रोडक्शन काफी बढ़ता है, जिसकी वजह से एसीटोनिट्राइल का भी प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है, और ड्यू टू दैट एसीटोनिट्राइल का प्राइस घट जाता है, क्योंकि एसीटोनिट्राइल की अगर सप्लाई बढ़ गई एंड डिमांड उतनी थी नहीं तो ऑब्वियसली द प्राइसेस विल फॉल। बट द सेकेंड वे टू प्रोड्यूस एसीटोनिट्राइल इज थ्रू एसीटिक एसिड। तो एल्काइल अमाइंस हो गया, बालाजी अमाइंस हो गया, थ्रू एसीटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो एसीटिक एसिड में इससे कुछ रिलेशन नहीं है, बट गाइस प्रॉब्लम क्या है आज वैल्यूएशंस के अंदर थोड़ा सा समझते हैं कि हुआ क्या दुनिया में, लाइक व्हाट इज हैपेंड इन द वर्ल्ड। इसकी लास्ट 1 to 2 years में ऑटो साइकिल हैज वेंट फॉर डोल्ड्रम्स, माने ऑटो की जो साइकिल थी दैट हैज रिवर्स्ड, ऑटो साइकिल नीचे आ चुकी है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि एक्रिलोनिट्राइल का प्रोडक्शन काफी कम हो चुका है, ड्यू टू विच the production of acetonitrile has also fallen. So guys, just think about it like in rational terms. This is pure economics 101, right? तो अगर आपका डिमांड उतना ही है एंड सप्लाई आपका घट गया तो व्हाट विल हैपन टू द प्राइसेस, द प्राइसेस विल ऑब्वियसली रॉकेट अप। तो सिमिलरली एसीटोनिट्राइल में यही हुआ है, 150 रुपीज पर केजी से प्राइसेस हैव वेंट अप टू 270 रुपीज पर केजी। तो हम एल्काइल अमाइंस का जो अब नॉर्मल मार्जिन एक्सपेंशन देखते हैं वो इस वजह से हुआ है। इस बार इनका आई थिंक सो ऑपरेटिंग मार्जिन हैज कम समवेयर क्लोज टू 28 to 29%, विच इज नॉट नॉर्मल बाय एनी मीन्स, राइट? तो यहाँ पे मार्जिन कंप्रेशन का बहुत बड़ा रिस्क है। एंड मोर ओवर क्या हो रहा है, जो हमने बालाजी माइंस की बात करी थी, तो अब यहाँ पे तीन चीजें होने वाली हैं। तो एसीटोनिट्राइल के डोमेस्टिकली बेसिकली अभी तीन प्रोड्यूसर है, एक तो एल्काइल अमाइंस है, सेकंड बालाजी अमाइंस है, थर्ड दीपक नोवा है, एंड फोर्थ एक और आने वाला है बाय द नेम ऑफ IOL केमिकल्स, उन्होंने इस बार एनुअल रिपोर्ट में बताया है। तो एल्काइल अमाइन का भी लार्जेस्ट कैपेसिटी है 12,000 टन पर एनम का, पर बालाजी अमाइंस का भी कुछ 18,000 टन पर एनम का कैपेसिटी आ सकता है, अभी 9,000 टन पर एनम ही आया है, 9,000 से वो और एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। एंड थर्ड दीपक नोवा का इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, एंड IOL केमिकल्स का भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट, पूरे केमिकल का डिमांड ही दुनिया में कुछ 120,000 टन के आसपास है, उसमें से अगर एल्काइल अमाइंस अब कैपेसिटी एक्सपैंड करते हैं 12,000 टन पर एनम से 15,000 टन पर एनम और एक्सपेंशन करते हैं तो कुछ 27,000 टन पर एनम का कैपेसिटी हो जाएगा, मेकिंग एल्काइल वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एसीटोनिट्राइल। बट उसमें एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी आ सकती है एल्काइल अमाइंस को, कि जो रियलाइजेशन है, जो हमने अभी देखा कि एसीटोनिट्राइल का प्राइस 150 रुपए पर किलो से 270 रुपए पर किलो जा चुका है, तो जब वो घटेगा, क्योंकि अब आपका सप्लाई आने वाली है, डिमांड तो उतनी ही रहने वाली है, डिमांड की भी ग्रोथ होगी बट सप्लाई की ग्रोथ डिमांड से ज्यादा होने वाली है, तो प्राइसेस विल ऑब्वियसली करेक्ट एंड अ कैपिटल साइकिल कैन प्ले आउट। तो कैपिटल साइकिल का हमने जैसे यहाँ पे ग्राफ लगाया तो आप कैपिटल साइकिल को समझ भी सकते हैं, वी विल पोस्ट द पिक्चर देयर इन द डिस्क्रिप्शन टू, अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो आज ये रिस्क है एल्काइल अमाइंस में। नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी, तो पहली अगर हम बात करें इनके वैल्यूएशंस की, तो एल्काइल अमाइंस जैसे हमने 2014 to 2017 में देखा था, इट वाज टोटली फ्लैट। एंड व्हाई वाज इट फ्लैट, बिकॉज इनके पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था। मिथाइल अमाइंस का फिर इन्होंने प्लांट लगाया दहेज पे, उनका कैपेसिटी एकदम काफी ज्यादा आ गया, 33,000 टन पर एनम के आसपास। तो आज कंपनी के 3 लोकेशंस पे प्लांट है। वैल्यूएशन करने से पहले हमें बिजनेस के ट्रिगर्स समझने जरूरी है, उससे पहले हम वैल्यूएशंस नहीं कर सकते। गाइस आज ट्रिगर्स क्या है इस कंपनी में बात करते हैं उसकी। तो इनके पास 3 प्लांट्स हैं आज, बेसिकली 3 लोकेशंस हैं, एक तो कुरुकुम में है, एक पाताल गंगा में है, एंड एक दहेज में। तो जो कुरुकुम में इनके पास कैपेसिटीज है वहां पे इनके ऑलरेडी 9 प्लांट्स लग चुके हैं, एंड जो पाताल गंगा में है वहां पे इनके 2 प्लांट्स लगे हैं, एंड जो दहेज में है वहां पे एक ही प्लांट लगा हुआ है। तो अभी जो मिथाइल अमाइंस और एसीटोनिट्राइल का जो फर्दर एक्सपेंशन आने वाला है वो दहेज के प्लांट में आएगा। गाइस यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखना है, तो इस कंपनी का हमने जब एनवायरमेंटल क्लियरेंस पढ़ा था रिसेंटली, तो दहेज में इनके पास 100,000 टन पर एनम की कैपेसिटी वहां पे बढ़ा सकते हैं, अभी कुछ 33,000 टन पर एनम के आसपास वहां पे ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं मिथाइल अमाइंस का। तो दहेज में इनके प्लान्स हैं कि हम 15,000 टन पर एनम से और कैपेसिटी बढ़ाएंगे मिथाइल अमाइंस की,
एंड सेकेंडली एसीटोनिट्राइल की प्रोडक्शन 12,000 टन पर एनम से 27,000 टन पर एनम पे लेके जाएंगे। तो इस साल इनका कैपेक्स प्लान कुछ 170 करोड़ के आसपास है, जिससे दे कैन प्रोड्यूस अ सेल ऑफ 320 टू 350 करोड़, बिकॉज इनका एसिड टर्न्स आर समवेयर बिटवीन 1.5 टू 2x, राइट। एंड एजीएम पे प्रमोटर हैज गिवन अ वेरी अग्रेसिव टारगेट इन की नेक्स्ट 4 इयर्स वी वांट टू अचीव सेल्स ऑफ 2000 करोड़। तो आज इनका टॉप लाइन 1000 करोड़ का, अगर नेक्स्ट 4 ईयर में इनका टॉप लाइन 2000 करोड़ होना है तो 18-20% की सेल ग्रोथ चाहिए, विच सीम्स वेरी प्लॉजिबल, आ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आने का बहुत चांस है। बट गोइंग फॉरवर्ड व्हाट एल्स कैन हैपन, इसकी टॉप लाइन ग्रोथ तो आ जाएगी बट बॉटम लाइन ग्रोथ शायद से इक्विवेलेंट ना आए, क्योंकि एसीटोनिट्राइल के अंदर मार्जिन कंप्रेशन का एक बहुत बड़ा रिस्क है। गाइस, वैल्यूएशन के टर्म्स में अगर मैं इसमें दो ओपिनियंस ले सकता हूँ। पहला ओपिनियन है कि हमें कभी भी कंपनीज पीक मार्जिन और पीक वैल्यूएशन पे नहीं खरीदनी चाहिए। तो एसीटोनिट्राइल में ऑलरेडी पीक मार्जिन आ चुका है, तो यहां से मार्जिन कंप्रेस करने वाला है, राइट। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूं, यस देर आर सम चांसेस दैट द लाइक सम चांसेस दैट द बिजनेस फंडामेंटल्स कैन लाइक गो ऑफ द ट्रैक अ बिट, क्योंकि मार्जिन कंप्रेशन हो सकता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म के एंगल से देखूं कि अमाइंस इंडस्ट्री है, कंज्यूमेबल है, इफ आई वांट टू कीप द स्टॉक फॉर 10-20 इयर्स, इवन देन इन आर ओपिनियन, लाइक वी ओनली वांट टू एजुकेट यू गाइस, देर आर नो रिकमेंडेशंस। तो इन आर ओपिनियन द कंपनी सीम्स टू बी वेल पॉइज्ड, बिकॉज नेक्स्ट 4 इयर्स में सेल्स डबल होने वाली हैं। तो गाइज, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा ओपिनियन को फेवर करते हैं, कि अगर इनका मार्जिन कंप्रेस होने वाला है तो शायद से इनको हिट आ सकता है काफी ज्यादा वैल्यूएशंस के अंदर। एंड अगर आपको लगता है कि दिस इज अ गुड इंडस्ट्री जहां पे 2-3 प्लेयर ही हैं, उससे ज्यादा प्लेयर नहीं है, तो मेरे को उसका भी आप बताइए कि आप कौन सी स्टोरी में बिलीव करना चाहते हैं। तो गाइज, दिस वॉज अ बिजनेस एनालिसिस ऑफ अल्काइल अमाइंस विद द सोर्सेज ऑफ रिस्क एंड विद एवरीथिंग। एंड विदाउट एंडिंग द लाइक बिफोर एंडिंग द वीडियो, आई फॉरगॉट वन सोर्स of risk which is really important. तो क्या होने लगा इस इंडस्ट्री के अंदर कि इथाइल अमाइंस की जो हमने बात करी थी एलिफैटिक अमाइन सेगमेंट में, कि इथाइल अमाइंस की बालाजी अमाइंस एक ग्रीन फील्ड का कैपेक्स कर रहे हैं। तो बालाजी अमाइंस इथाइल अमाइंस की कुछ 16,000 टन पर एनम की कैपेसिटी लगाने लगा है, थिंक 16-20,000 टन पर एनम के बीच में समवेयर, एंड दैट कैन लीड टू अगेन अ प्राइसिंग वॉर बिटवीन द टू प्लेयर्स, क्योंकि इंडिया का इथाइल अमाइंस का डिमांड ही आई थिंक सो 20-22,000 टन पर एनम का है, तो ओवर कैपेसिटी हो सकती है, तो शायद से प्राइसिंग वॉर ही ना हो जाए। सो गाइस, दिस वाज अ बिजनेस एनालिसिस ऑफ अल्काइल अमाइंस। इफ यू हैव एनी सजेशंस, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड किसी और कंपनी का अगर आपको बिजनेस एनालिसिस देखना है उसका भी हमें बताइए, तो हम आपको 3 ऑप्शंस दे भी सकते हैं, अभी दे देते हैं कि आप किस किस का बिजनेस एनालिसिस देखना चाहेंगे। तो पहला हम HLE ग्लासकोट का कर सकते हैं, सेकंड हम सिंजिन का कर सकते हैं, एंड गाइस थर्ड हम दीपक नाइट्राइट का कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कौन से कंपनी का बिजनेस एनालिसिस देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।